Dear students, in my previous videos, I told you about the correct use of preposition. But still, there are some prepositions which create very confusion, like the use of made from, made of, made by, made with, below, and under. So in this presentation, I am trying to solve this problem. Now let's start with made from. It is used to bring a new change in material. ये तब यूज होता है जब मटेरियल में एक चेंज आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड एंड कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क. सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स इट्स क्लियर दैट द मटेरियल चेंज इज नेचर. मटेरियल ने अपने नेचर को चेंज कर दिया है. इससे पहले क्या है, देखिए ग्लास किससे बना है, सैंड से बना है. पहले सैंड था और अब वो क्या बन गया, ग्लास बन गया. उसी प्रकार वुड पेपर में कन्वर्ट हो गया और मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो गया. सो देयर इज अ कंप्लीटली चेंज्ड इट्स नेचर. एंड देयर इज वन थिंग, वी कांट रिवर्स द थिंग. हम चीजों को रिवर्स नहीं कर सकते हैं. हम ग्लास को फिर से सैंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, पेपर को वुड नहीं बना सकते हैं, कर्ड को मिल्क नहीं बना सकते हैं. ठीक है, तो मेड फ्रॉम कब यूज होगा, जब देयर इज ए न्यू चेंज इन मटेरियल एंड वी कांट रिवर्स द थिंग. हम चीजों को रिवर्स नहीं कर सकते हैं और एक नया मटेरियल फॉर्म होता है, देन वी विल यूज मेड फ्रॉम. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मेड ऑफ. मेड ऑफ इज यूज्ड व्हेन अ मटेरियल रिमेन्स द सेम विद अ लिटिल बिट ऑफ अ चेंज. For example, the chair is made of wood. Here, wood is still wood. In the second example, the house is made of bricks. Bricks are still bricks. It doesn't transform into something new one. And the original material have not been completely changed and we still see them. बिल्कुल सही बात है, आपके पास समझ में आई कि made of वहां पर यूज होता है जब मटेरियल जो है वही रहता है और उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है. जैसे चेयर इज मेड ऑफ वुड, चेयर जो है वो लकड़ी की बनी है, बट वुड इज स्टिल देयर, लकड़ी वही है अभी. The house is made of bricks. Bricks are still bricks. उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है. So, if you can reverse it, it's better to use made of. यदि हम उसको रिवर्स करते हैं, कर सकते हैं, तो हम वहां पर better, वहां पर made of यूज करेंगे. It's better to use made of when we can रिवर्स द थिंग. क्लियर है? नाउ फ्रॉम दिस चार्ट वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेड फ्रॉम एंड मेड ऑफ. इफ यू कांट रिवर्स द थिंग दैट इज मेड, यूज मेड फ्रॉम. यदि हम चीजों को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, देन वी विल यूज मेड फ्रॉम. फॉर एग्जाम्पल, ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड. ठीक है, एंड इफ यू कैन रिवर्स इट, इट्स बेटर टू यूज मेड ऑफ. और यदि हम चीजों को रिवर्स कर सकते हैं, तो हम मेड ऑफ यूज कर सकते हैं. तो वहां पर हम क्या करेंगे, मेड ऑफ यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स और द चेयर इज मेड ऑफ वुड. एंड द सेकेंड डिफरेंशिएशन इज व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल हैव बीन कंप्लीटली चेंज्ड एंड वी कांट सी दैट, यूज मेड ऑफ. जब ओरिजिनल मटेरियल कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं और हम वी कांट सी देम, उन ओरिजिनल मटेरियल को नहीं देख पाते हैं, देन वी विल यूज मेड फ्रॉम. जैसे पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, पहले वुड थी, अब वो क्या बन गया, हमने उसे पेपर बना दिया है. नाउ वी कांट सी वुड, हम वुड को नहीं देख सकते हैं. यानी जो
ओरिजिनल मटेरियल था वो कंप्लीटली चेंज हो गया है, वुड जो था वो कंप्लीटली पेपर में चेंज हो गया है। क्लियर है ना? तो यहां पर हम यहां यूज करेंगे मेड फॉर्म करेंगे। एंड व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल हैव नॉट बीन कंप्लीटली चेंज्ड एंड वी कैन स्टिल सी देम, और जब ओरिजिनल मटेरियल कंप्लीटली चेंज नहीं होता है एंड वी कैन स्टिल सी देम और हम उन्हें अभी भी देख सकते हैं, देन वी विल यूज मेड ऑफ। जैसे मैंने बताया था आपको द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक्स क्या चेंज हुई है? नहीं, ब्रिक्स आर स्टिल देयर। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, हियर वुड इज स्टिल वुड, वी कैन स्टिल सी देम। क्लियर है ना? तो ये दो मेन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिससे हम उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? द नेक्स्ट इज मेड बाई। मेड बाई इज यूज व्हेन वी मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी और पर्सन दैट हैज मेड समथिंग। मेड बाई हम वहां पर यूज करते हैं जब हम किसी कंपनी या व्यक्ति के द्वारा चीज को बनाया गया हो, किसी चीज को बनाया गया हो। ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति या कंपनी कोई चीज बना रही है देन वी विल यूज मेड मेड बाय। फॉर एग्जाम्पल, द ताजमहल इज मेड बाय शाहजहां, ताजमहल शाहजहां ने बनाया है। दिस डिश इज मेड बाय माई मदर, इस डिश को मेरी माँ ने बनाया है। एंड दिस पिक्चर इज मेड बाय मी, और यह पिक्चर मेरे द्वारा बनाई गई है। ठीक है? यहां बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है कि पिक्चर को मेरे द्वारा बनाया गया है या डिस्क मेरी माँ के द्वारा बनाया गया है, ताजमहल को साजा ने बनाया है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन किया है कि इस चीज को किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना? तो व्हेन वी मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन और कंपनी दैट हैज मेड समथिंग वी विल यूज मेड बाय। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेड विथ। व्हेन समथिंग इज प्रिपेयर्ड बाय इंग्रेडिएंट्स और मैनी मटेरियल्स वी यूज मेड विथ। जब किसी चीज को बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स में समझते हैं आप जो खाद्य सामग्री होती है उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो जब किसी चीज को खाद्य सामग्री या बहुत सारे मटेरियल के द्वारा बनाया गया हो देन वी विल यूज मेड विथ। बिल्कुल स्पष्ट है? आप एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे दिस पिज्जा इज मेड विथ अनियंस मशरूम एंड कैप्सिकम। ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अनियन मशरूम और कैप्सिकम, इनसे पिज्जा बना है। तो दिस पिज्जा इज मेड विथ, यहां पर क्या यूज करेंगे हम? मेड विथ करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना? दिस पिज्जा इज मेड विथ ओनियन अनियंस मशरूम एंड कैप्सिकम। सेकेंड वन, दिस बिल्डिंग इज मेड विथ ब्रिक्स वुड एंड सीमेंट। योर बिल्डिंग ब्रिक्स वुड और सीमेंट से बनी है। तो यहां पर क्या है? बहुत सारे मटेरियल्स यूज हुए हैं, ब्रिक्स वुड एंड सीमेंट आल और मटेरियल्स, सो वी विल यूज मेड विथ। और पहले एग्जाम्पल्स में अनियंस मशरूम्स और कैप्सिकम इंग्रेडिएंट्स थे, तो हमने यहां पर क्या लिखा? मेड विथ लिखा। क्लियर हो गया ना? ओके, नाउ द यूज ऑफ बिलो। इट इज यूज एज लोअर देन। लोअर देन मीन्स से नीचे, यानी बिलो का जो यूज होता है वो से नीचे के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज बिलो 70, मेरे पिता 70 से नीचे के हैं। हिज हाइट इज बिलो 6 फिट, उसकी हाइट 6 फिट से नीचे है। ही वॉज हिट बिलो द नेक, उसे नेक से नीचे मारा गया। दे लिव इन द अपार्टमेंट बिलो अवर्स, वे हमारे अपार्टमेंट के नीचे या से नीचे रहते हैं। तो क्लियर है ना? बिलो का मीन्स क्या आ रहा है यहाँ पे? से नीचे, लोअर देन। तो बिलो जो यूज होता है वो लोअर देन के बस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज लेस देन। बिलो जो है वो लेस देन, लेस देन मीन्स से कम के अर्थ में भी यूज होता है। हियर यू कैन सी माई इनकम इज बिलो 20,000 पर मंथ, मेरी जो इनकम है वो 20,000 पर मंथ से
कम है, बिलो है, टेम्परेचर इज बिलो 20 डिग्री सेल्सियस टुडे, आज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम है, हिज परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन इज बिलो एवरेज, उसका एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस एवरेज से कम है, एवरेज से भी कम है। तो यहाँ पर बिलो का जो यूज हुआ है वो लेस देन के अर्थ में यूज हुआ है, लेस देन मीन्स हमने यहाँ पर क्या बताया आपको, से कम, ठीक है। तो ये बिलो है, नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ अंडर, अंडर मीन्स नीचे होता है, व्हेन वी यूज अंडर इट मीन्स दैट वन थिंग इज टचिंग और कवरिंग समथिंग एल्स, जब हम अंडर यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक चीज ने दूसरे को छुआ है या उसे ढका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हिज शूज वर अंडर हिज बेड, द कैट इज अंडर द टेबल, पुट दिस शर्ट अंडर द डेस्क। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, हिज शूज वर अंडर हिज बेड, उसके शूज उसके बेड के नीचे थे, यानी उन्होंने क्या किया है, शूज जो है वो बेड के नीचे है और बेड ने शूज को कवर किया है, कवर किया है ना। द कैट इज अंडर टेबल, कैट टेबल के नीचे है, यानी टेबल ने कैट को कवर किया है। पुट दिस शर्ट अंडर डेस्क, इस शर्ट को डेस्क के अंदर रखो, तो यहां पर भी डेस्क ने शर्ट को कवर किया है। तो क्लियर है ना कि व्हेन वी यूज अंडर इट मींस दैट वन थिंग इज टचिंग और कवरिंग समथिंग एल्स, जब एक चीज ने दूसरी चीज को छुआ है या उसे ढका है। नेक्स्ट वी यूज अंडर टू रिफर टू एज, एज को रिफर करने के लिए भी अंडर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर 6 स्टूडेंट्स अंडर 15 इन माई क्लास, ही इज द कैप्टन ऑफ अंडर 19 क्रिकेट टीम। तो यहां पर अंडर 15 जो है उसने एज को रेफर किया है, वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में अंडर 19 ने भी एज को रेफर किया है। तो क्लियर है कि टू रिफर टू एज वी यूज अंडर। नेक्स्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड वेट, टाइम और वेट के मेजरमेंट के लिए भी अंडर यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स में देखिए, वी हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट अंडर 6 मंथ्स, हमें इस प्रोजेक्ट को 6 महीने के नीचे या अंदर पूरा करना है। तो यहां पर क्या है, 6 मंथ्स टाइम को रेफर किया है। इन द सेकेंड एग्जाम्पल हिज वेट इज अंडर 30 kg, उसका जो वेट है वो 30 kg से नीचे है, और यहां पर अंडर ने किसको रेफर किया है, वेट को रेफर किया है। सो फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड वेट वी विल यूज अंडर, ओके। सो फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन आई होप यू कैन इजिली डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमंग मेड फ्रॉम, मेड ऑफ, मेड बाय, मेड विथ, बिलो एंड अंडर। नाउ वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।